मान लीजिए कि साठ साल का कोई वृद्ध है, बुजुर्ग है, सत्तर साल का बुजुर्ग है, वो अपना समय का प्रबंधन कर रहा है, समय का नियोजन कर रहा है, लेकिन अगर वह समय निर्धारण करने के पूर्व अपनी अवस्था को नहीं देखता है, अगर ये 18 साल 20 साल के नौजवान के सदृश अगर उस समय का प्रबंधन अपना करता है तो अलग स्तर नहीं पहुंच पाए, सही तरीके से समय का प्रबंधन वो नहीं कर पाए, इसलिए स्वयं का मूल्यांकन आवश्यक है। समय का प्रबंधन है, हम हिंदी के टीचर हैं, खड़ा हो जाए अंग्रेजी का स्पीच देने के लिए संभव है नहीं, स्वयं का मूल्यांकन अति आवश्यक, पहचानना पड़ेगा अपने आप को, समय निर्धारण करने के पूर्व, समय का प्रबंधन करने के पूर्व स्वयं का मूल्यांकन आवश्यक है। अगर स्वयं का मूल्यांकन कर लिया तब अगला पड़ाव क्या होना चाहिए, वो होता है लक्ष्य का निर्धारण। लक्ष्यहीन जीवन जीवन नहीं है, जब तक कोई लक्ष्य आपने निर्धारित नहीं किया है तब तक खूब समय का आपने प्रबंधन कर लिया, खूब समय का नियोजन कर लिया, खूब समय का सदुपयोग कर लिया, खूब समय के महत्व को आप दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्य का निर्धारण नहीं है तो सफलता आपको मिलेगी। लक्ष्य का निर्धारण, समय प्रबंधन के तहत लक्ष्य का निर्धारण आवश्यक तत्व है, उसको आपको करना होगा, नहीं तो समय का निर्धारण, समय का नियोजन, समय का प्रबंधन, समय का महत्व सब बेमानी साबित होगा। एक उदाहरण, कालांतर में वैदिक काल में द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, स्वयंवर कितनी आजादी थी उसे हमारे समाज में स्त्रियों को, स्वयंवर बड़े बड़े राजकुमार आए हुए थे, बड़े बड़े योद्धा आए हुए थे, लक्ष्य तो बता दिया गया था ना भाई, लक्ष्य की जानकारी सब तो सबको मालूम था ना कि जो मछली के आंख में तीर मारेगा उसी के साथ द्रौपदी की शादी होगी, लक्ष्य तो सबको मालूम था, सबने लक्ष्य साधने का प्रयास किया, सब आए वहां, सबसे पूछा गया, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, दो ऐसे योद्धा वहां गए जो पूर्व से पहले से अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और उनका लक्ष्य था मछली की हाँ, वो दो कौन थे, एक अर्जुन था और एक कर्ण थे, कर्ण को सम्मिलित नहीं होने दिया गया, उचक्र करके साजिश रच के कर्ण को अलग कर दिया गया, अर्जुन ने लक्ष्य निर्धारित कर रखा था, लक्ष्य भेदने में वह सफल हो गया, द्रौपदी से उसकी शादी हो गई। तो जब तक आप लक्ष्य का निर्धारण नहीं करते हो तब तक सफलता आप नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए लक्ष्य का निर्धारण अति आवश्यक है, समय प्रबंधन के साथ साथ। अगला पॉइंट है समय प्रबंधन सफलता रूपी ताला को खोलने की मास्टर की चाबी। अगर आप समय का नियोजन नहीं करते हैं तो सफलता रूपी ताला कभी नहीं।
टाइम मैनेजमेंट आवश्यक, समय का महत्व आवश्यक है, समय का सदुपयोग। यहां पर एक बात और आती है, समय का सदुपयोग, टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। भाई दो तरह से ना समय प्रबंधन होता है। हम स्कूल में आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतना बजे स्कूल आना है, इतना बजे से पहली कक्षा शुरू होती है, हमारा अमुक जगह क्लास है, ये टाइम प्रबंधन है, हम उसके अनुसार काम करते हैं। गलत काम करने वाला भी तो अपना समय टाइम मैनेजमेंट करता है ना, कितने बजे हमको गुणबाजी करनी है, कितने बजे हमको डाका डालनी है, कितने बजे हमको फाका मिलेगा, कितने बजे ये मिलेगा, वहाँ भी तो टाइम प्रबंधन है, वहाँ भी तो टाइम मैनेजमेंट है, गलत काम करने के लिए तो टाइम मैनेजमेंट है। इसीलिए तुमने कहा कि समय प्रबंधन का जुड़वा भाई है समय का सदुपयोग, दुरुपयोग टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत नहीं आता, सदुपयोग। तो कहने का मतलब यह था कि सफलता की चाबी है, कुंजी है समय प्रबंधन, एकदम सही। ईश्वर ने आपको कितना समय दिया है? 24 घंटे का। जब तक आप नियोजन नहीं करेंगे सफल नहीं होंगे। कब हमको सोना है, कब हमको खेलना है, कब हमको विद्यालय जाना है, कब हमको अपनी कक्षा में उपस्थिति दर्ज कराना है, कल क्या हमको पढ़ाना है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। अगर समय से आप कार्य करते हैं तो सफल, सफलता की हर दरवाजा आपके लिए खुली हुई है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसका काफी महत्व है, समय का नियोजन, समय का प्रबंधन बहुत बड़ी भूमिका रखती है आपको आगे बढ़ने, आपको आपके जीवन को सफल बनाने में। अब सवाल ये होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि समय, बार बार बात आ रही है कि समय का प्रबंधन करें, समय का सदुपयोग करें, तो आखिरकार समय का प्रबंधन हम करें तो कैसे करें? वापस 24 घंटा हमारे पास, 24 घंटे हैं हमारे पास, कैसे इसका प्रबंधन? पहला काम क्या करना है, 24 घंटे के अंदर में जितने भी कार्य हमें संपादित करने हैं पहले उसकी एक सूची बनाओ। सूची बन गई, अब उसमें हमको देखना यह है कि सूची में कौन कौन से कार्य ज्यादा महत्व है। तो अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर पहले किसकी प्राथमिकता दी जाए, उस प्राथमिकता के आधार पर आप समय का नियोजन कर लें। स्कूल जाना है तो कितना समय उस पर लगेगा, दैनिक क्रिया से हमें सुबह में निवृत्त होनी है कितना समय लगेगा, लंच करना है कितना समय लगेगा, हमको सेल्फ स्टडी करनी है, स्वाध्याय करना है कितना समय लगेगा, कितने बजे घर वापस आना है, कितने बजे खेल के मैदान में जाना है, कितने बजे वहां था, प्राथमिकता क्या था, कार्य सूची बना और समय का निर्धारण कर ले, सहूलियत हो टाइम मैनेजमेंट। तो प्राथमिकता के आधार पर कार्य का चयन करें। अगला है
एक यहाँ पर हिंदू धर्म में सनातन धर्म में उपनिषद एक ग्रंथ है, उसमें लिखा गया है कि कर्म को पंक्ति आई है, उसका अर्थ है संस्कृत में है लेकिन उसका अर्थ है कर्म को संजोगने से व्यक्ति धर्मान बन जाता है, लेकिन क्षण क्षण को एक एक पल एक एक क्षण को संजोगने से आदमी विद्वान बनता है। काफी अहमियत है मानव जीवन में समय का, काफी अहमियत है। निषद में कहा गया कि क्षण क्षण को, तात्पर्य क्या कि एक क्षण भी आप जया ना होने दिया, बर्बाद ना होने दिया, अगर एक क्षण को आप संजोगते हैं काफी कौन निषद में कहा गया है, श्लोक है संस्कृत का हिंदी रूपांतरण किए हैं कि कण कण को अगर जोड़ते हैं तो धनवान बन सकते हैं। हर महीना में हम अपन सैलरी में से 400 रुपया जुटाता है, भाई 452 रुपया अधिक अलावे खुदरा में वो 452 हम छोड़ देंगे अपने धीरे 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 20 साल की हमारी सैलरी से 25 साल की है एक अच्छी रकम वहां जमा। तो कण कण को जोड़ने से आदमी बनता है बन सकता है, और क्षण क्षण को समय की एक एक पल को जोड़ने से आदमी विद्वान है। समय का जो सही यूज किया, कहने का तात्पर्य यही है। तो समय का सदुपयोग और करना बहुत जरूरी है हर एक मानव को के लिए, हर एक इंसान के लिए। समय का कितना महत्व है मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे बाबा ने अपने महाकाव्य में लिख दिया है, तुलसी बाबा, कावल खाजल कृषि सुखा, समय बीत कितनी क्या पछताना। जब समय बीत जाता है तब पछताने से कुछ फायदा है। शुरू में बारिश हुई नहीं, सारी खेत खरीद है, धान की रोपनी नहीं हुई, आज बारिश हो गई, क्या फायदा, समय बीत गया। हर चीज करने का एक टाइम होता है। आप देखें कि मानव जीवन को 4 आयामों में बांट दिया गया, प्रकृति ने बांट दिया, ईश्वर ने बांट दिया, नेचर ने बांट दिया, 4 है। बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। कहा है, लिखा है, 4 आयाम। काट का भी बंटवारा कर दिया गया है कि बचपन से लेकर के किशोर वय तक के तुम क्या करते, युवावस्था तक के तुम्हें क्या करना है, बांध दिया गया है समय, टाइमिंग फिक्स है क्या करना है आपको। बाल्यकाल से लेकर 25 साल की उम्र तक युवावस्था माना गया है। कितना महत्व है इस अवस्था का समय में। बाबा ने लिखा, गुरु गृह गय पढ़न रघुराही अल्पकाल विद्या सकता। क्यों? अल्पकाल थोड़े समय में सारी विद्याओं में प्रांगत हो गए। कैसे हो गए भाई? समय का नियोजन किया, समायोजन किया उन्होंने, समय का प्रबंधन किया उन्होंने, समय का सदुपयोग किया उन्होंने, सारी विद्या में काम। प्रकृति ने बांट लिया कि तुम इतना देर से इतना समय तक यह कार्य तुमको करना है, कार्य सूची बना दिया है, हमको और आपको बनाने की जरूरत नहीं है,
बना दिया। 25 से 50 तक की जो अवस्था है वो गृहस्थ अवस्था, गृहस्थ गृहस्थी के जंजाल में नाना प्रकार की जो जवाबदेहियां हैं, जिम्मेवारियां हैं, उसका आप सही तरीके से निर्वहन करें। यहां भी बांध रहा है प्रकृति ने हमको, सही तरीके से निर्वहन करें। क्या थोड़ा सा अध्यात्म में इसको ले जा रहे हैं, कर से कर्म करो विधि नाना, मन रखो जहां धाम। अब देखिए बात के पतंगा बनाने वाले कुछ लोग हैं, कहते हैं कि भाई तो हमको आदेश दे, प्रकृति आदेश दे रही है, कर्म माने होता है हाँ विधि, माने भिन्न भिन्न तरह के विविध प्रकार के काम करने के लिए प्रकृति हमको आदेश दे रही है, हम चोरी करेंगे, हम शराब पिएंगे, मर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, प्रकृति हमें कर रही बात को बता रही, प्रकृति ये नहीं कर रही, नेचर नहीं बता रही। तो करी कर से कर्म करो विधि नामा, विधि विधि सम्मत, कानून सम्मत, संविधान सम्मत, धर्म सम्मत, समाज सम्मत, जो कार्य है उसके करते हुए तब तुम्हारा बात खुदा इस बात के शरण में याद करो जाओ। तो ये जो नेचर ने बांधा आपको 25 से 50 तक के जो कार्य सूची सौंपी गई है मुझे प्रकृति के द्वारा, यह है गृहस्थ जीवन। देखते हैं हम लोग, इसी उम्र में परिवार के दायित्वों का भरण पोषण करते हैं। 50 के बाद का अवस्था 10 साल के लिए कहा गया है, 60 तक जो प्रौढ़ावस्था है इस अवस्था में हम लोग घर पहुंच चुके हैं, हम लोग नहीं भाई बताए। ये कहा गया है वानप्रस्थ, इसको कहा गया वानप्रस्थ। वानप्रस्थ के मतलब वन से वान हो गया, नहीं कि वन में चले जाओ, नहीं। अभी हमने कहा कि भाव को समझिए, शब्दार्थ मत समझिए। वानप्रस्थ के मतलब ये होता है कि आप धीरे धीरे धीरे, 50 तक आप अपनी सारी उत्तरदायित्व की पूर्ति आपने कर लिया, सारी जवाबदेहियों से आपने मुक्ति पा ली, अब धीरे धीरे अगली पीढ़ी के ऊपर आप अपने उत्तरदायित्व का बोझ सौंपें, धीरे धीरे सौंपें, एकाएक नहीं, कि प्रकृति हमें सीख देती। जैसे ही 60 में आप पहुंचते हैं, चौथे पन नित कान न जाने, आ गया आपका चौथा, अब आपकी यहाँ कोई दरकार नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारी नेचर प्रकृति कर रही है, हमारे शास्त्र कर रहे हैं, हमारे विद्वान कर रहे हैं, चौथे पन नित कानन जाओ, कानन जाने का मतलब कानन जाना होता है जंगल, तपस्या करने जंगल में चल रही है, नहीं, यानी अपने सारे दायित्वों से आप मुक्त हो जाओ, पारिवारिक दायित्वों से, सारे पारिवारिक दायित्वों से आप मुक्त हो जाओ, अब परिवार का कोई भी कर्ज अब आपके सर पर न रहे, मुक्त हो, मुक्त होकर करेंगे क्या, अब आप फ्री हो, स्वतंत्र हो जाओ। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो सामाजिक कार्य हैं जिसमें आप अपनी रुचि ले सकते, तो चौथे कानन जाओ का तात्पर्य यही है, न कि वन में जाकर के और वहां सीताराम 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 करते रहिए, ये नहीं। तो समय का काफी महत्व है, देख रहे हैं आप लोग, अच्छा ये भी बात सही है, सोची अभी हमने कहा कि समय ही जीवन, समय ही जीवन क्या है,
अरे कुछ वक्त यहाँ जीने का मौका है, निश्चित है। कितना वक्त आपको दिया गया? कुछ वक्त जीने का यहाँ मौका है, आनंद से जी ले। अच्छा ये बताइए कि मरने के बाद भी समय का कोई महत्व रह जाता है? मृत्यु के उपरांत भी समय का कोई महत्व है? नहीं, मृत्यु के उपरांत समय का कोई महत्व नहीं। इसीलिए जो वक्त मिला है उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। क्योंकि क्यों सदुपयोग करें? मैं तर्क दे रहा हूं, क्यों सदुपयोग? क्योंकि भाई 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के तदुपरांत ये मानव जीवन मिला है। बड़ा भाग मानुष तन पावा, बड़ी किस्मत से हम लोग मनुष्य तन पाए। बड़ा भाग मानुष 84 लाख योनियों में भटकने के बाद आए हैं। प्रकृति का सबसे अमूल अनुपम कीमती उपहार कुछ है तो मानव। सबसे नायाब चीज बनाया है प्रकृति ने अगर इस धरती पर सृष्टि में कुछ सबसे नायाब तो क्या है? तो मानव, तो मानव। बुद्धि दिया आपको, विवेक दिया, बल दिया, सब दिया। ये सारी चीजें सारे जीवों को नहीं मिला जो आपको। इसीलिए हम कह रहे हैं कि समय का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें। क्योंकि अभी मिलेगा कि ना मिलेगा ये आपको जान नहीं। देखिए इसी पर सदुपयोग कैसे करें, एक कवि ने और लिखा है, चैद रहीन। कितना बड़ा संदेश है रहीन का, ऐसे तो है भूल रहे। देखे काल करो से अब पलने पल होएगा, बहुरी करोगे क्या? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पलने पलने होएगा बहुरी करोगे। कब करोगे? कब चेतोगे? क्योंकि अभी हम शुरू में कह दिया था कि विनोद कर भट अकल तुम हो, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता समय। अरे भाई कितनी सभ्यताएं बनी, कितनी संस्कृतियां बनी और बिगड़ी, समय में कोई बदलाव आया? चक्र गतिशील है, समय चक्र के भांति घूम रहा है। जल जलाया, महाप्रलय आया, सुनामी आई, कुछ भी आया, पूरी सृष्टि समाप्त हुई, समय समाप्त हुआ। अगर हम कहें कि समय ही स्वर्ग तो भी अतिशय होगी। मेरा कि समय ही स्वर्ग, तो समय बहुत बलवान होता है। ये समय जो है कितने सृष्टियों को बनते बिगड़ते समय ने देखा, कितनी संस्कृतियां नष्ट हो गई समय ने देखा, लेकिन समय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। समय अथावत है और अथावत रहेगा। मेरे दिमाग में अभी जो हमने नोट किया है, समय की पाबंदी, सारा फोकस उसी पर है। समय का पाबंद होना चाहिए।
जरूरी है, समय का पाबंद होना चाहिए। अगर आप समय के पाबंद नहीं हैं, हम यहाँ पर जितने भी महान हस्तियां ये हमारे देश में, अपने देश में, महात्मा गांधी को ले लीजिए, गांधी जी दूर थे, वर्तमान में हाल साल में आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को ले लीजिए, इन लोग का जीवन उदाहरण है किस चीज का, टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन, समय का नियोजन। इन लोग, इन महापुरुषों का जीवन उदाहरण है, समय का नियोजन किया, समय के पाबंद हुए और सफलता की चोटियों पर। आज नहीं है हम लोग के बीच में, लेकिन इस शताब्दी के सभागार में गांधी जी की, कलाम साहब की चर्चा हम लोग क्यों कर रहे थे, कुछ खासियत थी उनमें तब ना, कुछ गुण थे तब ना, सारे लोग वहां उस शिखर पर क्यों ना पहुंच गए, यही लोग क्यों पहुंच गए, एक चीज थी उनमें, एक खासियत थी उनमें, बहुत से जो विशेषताएं उनके अंतर्गत अंदर में थी उसमें से एक समय का पाबंदी भी था, समय के बड़े पाबंद, दो चार मिनट भी लेट नहीं थी। चलिए हम लोग भी पाबंद है, एक्चुअली में होता क्या है कि हम लोग को टाइम प्रबंधन पर, समय मैनेजमेंट पर ध्यान देते हैं। अब इतनी घटना सुना रहा हूं आज, सत्य अलार्म बजा, सुसुम गर्म पानी पिया, दैनिक क्रिया रेस्ट किया, कितना समय हमने दिया, तो इतने काम करने में हमको 16 मिनट का समय, चलो भाई अब जो भी थोड़ा चले गए, जो आसन में चले गए अपना करके खत्म किया, तब समय देखा किसमें कितना समय हमने दिया, तो उसमें 13 मिनट का समय, तो बाथरूम में हिल गए, स्नान किया, स्नान करने के बाद थोड़ा सा जो अपना संस्कार आदमी का होता है, पूजा घर में हिल गए, वहां किया, देखा कि इसने कितना समय दिया हमें, पूजा में स्नान में कपड़ा चेंज करने में कितना, 25 मिनट, कुछ जल्दी जल्दी किया, थैला उठाए, चूंकि हमारे पास लक्ष्य है, दिमाग में हमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि 6:40 में हर हाल में हमको ब्लॉक के गेट पर जाना है, 6:40 टाइम से काम हो रहा है। आर्मी वालों को हस्तक्षेप कर रहा हूँ, आर्मी वाले को सिर्फ 18 मिनट मिलता है, आप कॉलेज से लेकर यूनिफॉर्म पहन सिर्फ 18 मिनट, तो सर मैं तैयार हूँ, तो खैर आर्मी और हम लोग में थोड़ा फर्क है, तो एक लक्ष्य है कि हमको 6:40 इसी पीरियड में एक सज्जन भी है, अभी नहीं, अरे छोड़िए ना, 2 मिनट 2 मिनट, और 2 मिनट उन्होंने ले लिया, हमारी बस छूट गई, हमारा सारा टाइम मैनेजमेंट धरा का धरा। थोड़ा सा सामाजिक बंधन भी है, खैर बहरहाल आगे बढ़े हम, सच की बात हो रही है, खाली कामे की बात, एक चीज मान लीजिए
समय अमूल्य धन है। दुनिया की सारी चीजें घटाई बढ़ाई जा सकती हैं। गया हुआ स्वास्थ्य वापस ला सकते हैं, गया हुआ धन को भी वापस लाया जा सकता है, परिवार को बिता बिगड़े हुए परिवार को भी जोड़ा जा सकता है। लेकिन समय अगर बीत गया तो समय रूपी धन को वापस नहीं लाया जा सकता। भाई मतलब एक कहावत भी है, गाड़ पे चुकल बंदर और समय पे चुकल मर। इंसान का कहीं कोई जगह नहीं है सिद्धो के लिए। इसलिए माने हम लोग कि समय अमूल्य धन, इसको संजो करते हैं। अगला पॉइंट जो है समय से रिलेटेड कि कमजोर नहीं है समय, समय बड़ा बलवान होता है। इंसान को कठपुतली के भांति नचाता है तो समय। अभी हमने कहा कि प्रकृति का कुदरत का सबसे नायाब चीज अगर प्रकृति ने किसी को बनाया है, प्रकृति बनाई है, तो है मनुष्य। उस मनुष्य को भी समय बचा उंगलियों का कैसे बड़ा बलवान हो। एक उदाहरण, नरबलवान होत है समय होत बलवान। बाट रोके भीलवा वही अर्जुन वही मां। क्या है महाभारत का जो समाप्त हो गया था, द्वारिका से सारी महिलाओं को जो जश्न मनाने गए थे गई थी वहां, राज परिवार के सदस्य सभी वापस अपने राजधानी हस्तिनापुर वापस आ रहे थे, सभी की रथ था रथ से आ रहे थे। बीच जंगल से उनकी गाड़ी गुजर रही थी, बीच जंगल में कोल भीलों ने देखा, आदि मानवों ने देखा, कहने बड़ा ये सब राजकुमार है, राजकुमारियां हैं, रानियां हैं, बड़े आभूषण हैं, सोने हैं, चांदी हैं, अगर इनको लूटपाट करेंगे तो फिर लगता है कि जीवन भर लूटपाट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चलो आज लूट लें। वह धनुषधर अर्जुन उनकी सुरक्षा में चले, अपना गांडीव लिए हुए सुरक्षा में चले। जिस अर्जुन के बारे में महापर्व में आया है कि भीष्म ने कहा है, जब भीष्म से पूछा गया था कि भाई दोनों दल में सबसे चौथा बड़ा कौन है, तो अपने बारे में वो कहे थे कि जो मैं आपको तेज संभालू एक दिवस दोनों दल का रश्मि दशमी लिखा है दिन कर। अर्जुन के बारे में क्या कहते हैं, पलला ने पारथने गहे न दूजे मां। इतना बड़ा युद्ध था, विश्व युद्ध था, दुनिया का प्रथम विश्व युद्ध था, उतना भयंकर युद्ध, उतनी रक्तपात आज तक जितना उसमें। वो अर्जुन को वो कोल भील वालों ने इनका धनुष बाण सर मांडी मुंडी सब छीन लिया और सबको लूट लिया, लूटे पीटे सब हस्तिनापुर वापस। क्या था, नरबल वान न हो समय हो, समय अपोजिट चला। तो इसलिए कहते हैं कि नरबलवान होत है समय होत बलवान। तो बहुत सारी बातें आप भी और आप लोग भी अब कुछ थके थके महसूस कर रहे हैं, कुछ हम भी थोड़ा सा आइए यहाँ एक कहानी का आनंद ले लें। वो कहानी है प्रेमचंद। युग प्रवर्तक
उपन्यास सम्राट, महान कथाकार, कई भी विशेषण से बड़ी सोच समझ के कहानीकार हमने चुनाव किया है। वो कहानी का शीर्षक है पूस की रात। उस कहानी जितनी प्रासंगिक प्रेमचंद काल में वो कहानी थी, उसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है। गौर से कहानी को सुनेंगे, देखेंगे, अपने संदर्भ में भी लेंगे तो देखिए इसको। मैं अपने मालिक को विराम देता हूँ।